ऑफिस ये टारगेट जो चेज करने को देख रहे हैं 17.5। कौन सी क्वालिफाई करेगी जॉर्ज मंसी? रॉबन उथप्पा के साथ मजेदार ये सही कहा आपने, ये इनके पास मौका है। अब देखना है कि कैसे इस मौके को बुनाते हैं। मैच तो जीतना ही है, पर अगर धीमी गति की ये गेंद, ज्यादा पेस नहीं, ऊपर देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पे रन्स मिलेंगे जरूर, इसी गेंद का इंतजार कर रहे थे, थोड़ी सी राहत की सांस भी मिली होगी। पहली बाउंड्री दुबई कैपिटल्स के लिए, नहीं बनाने को देखूंगा। ये इनका पसंदीदा एरिया रहता है, तभी वो शॉर्ट आर्म जैब इतनी जल्दी खेल पाते हैं। फेयर प्ले, न्यूज बिगेस्ट हिट के कंटेंडर रॉबिन उथप्पा 19 बिना किसी नुकसान के। लीजिए रॉबिन मारेंगे तो ये कैसे पीछे रहेंगे, इनका फेवरेट जोन है यहाँ पे। जब टांग पे बॉल मिलता है आगे तो फिर ये इस जोन में, इस बार हवा में खराब गेंद, उसका नतीजा ये हुआ कि सीधा स्टैंड में। शानदार शॉट यहाँ पर रॉबिन उथप्पा का, कमाल का जज्बा दिखाया है इस पारी में अभी तक रॉबिन उथप्पा ने। छोटी गेंद डाली थी और उथप्पा ने बाहर निकले, जोरदार अपील और किनारा लगा है और बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर ओवरटन ने लिया अपनी टीम के लिए। बाहर निकले थे जो सीधे बल्ले से अगर खेलते तो चांस बनता था शॉट मारने का, पर वो हॉरिजॉन्टल बैट से खेलने की कोशिश की जिसकी वजह से उनको जाना पड़ रहा है वापस। को भी स्टेप आउट करके मारना चाह रहे थे, देखिए क्रॉस बैटेड ये शॉट जिसके चलते बल्ले का मुख छोटा हो जाता है और वहां एक कैच जो शायद ऐसा लगा था छिटकने लगा है पर पकड़ लिया पहली सब। ओ बहुत ही बेकार शॉट मेरे हिसाब से, इस सिचुएशन में 44 रन ऑलरेडी एक विकेट गिर चुकी है, यहाँ पे खेलने का कोई मायने ही नहीं लगता था, बहुत बेकार शॉट था मेरे हिसाब से। ये देखिए परिभाषित कर दिया आजर भाई ने, ये शॉट किस तरह का था, रिवर्स स्वीप खेला सीधा हाथ में, पहले ओवर के दूसरी गेंद पर विकेट मिल गया यहाँ पर जाहिर को, बहुत ज्यादा प्रसन्न। दबाव पड़ना पड़ेगा, ये देखिए बहुत बढ़िया शॉट और एक विकेट आउट और एक विकेट, क्योंकि हाथ से पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि थोड़ा सा उनको खेलना चाहिए, जब एक बार जब ऐसे बॉलर आते हैं तो फिर दिक्कत होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर वैसे ही शॉट जहाँ पे नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि जब भी आए थे सेकंड बॉल खेल रहे थे तो थोड़ी ऊपर ही है। अब जैसे अब 3 विकेट गिर गए तो यहाँ से टारगेट रीच करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसको कहते हैं सही कम्युनिकेशन बॉलर में, कप्तान में और फील्डर में, और इसी वजह से बाय बाय कर दिया यहाँ पर माय एमिरेट्स ने रोमन पावल को। स्लॉग स्वीप बाद फॉलो अप डिलीवरी और फिर इस बारी पिक किया थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने को, मात्र चूक हो गई कि लेग स्टंप के बाहर की वो लाइन थी और उसी का फायदा उठाया सिकंदर रजा। 10 रन प्रति ओवर बनाने तो ऐसे शॉट्स खेलने होंगे, अच्छी शॉट सिलेक्शन बट खेलने होंगे, बट लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए क्योंकि बॉलर को रीड करना चाहिए, क्योंकि आप पहले ओवर में ले लेते हैं सिकंदर रजा के खिलाफ। मौका निकल गई ऊपर से, प्रयास बहुत बढ़िया था क्योंकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी जो है बड़ी बाउंड्री के होते हुए चलते बहुत आगे खड़ा था, नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन सिकंदर रजा के लिए कम से कम वहां पे एक बाउंड्री जो आपको हर शॉट हवा में कनेक्ट किया है और एक और छक्का, ओ इसी की तलाश थी यहां पर, शानका तैयार थे, ऊपर गेंद डाली और बरसे यहां पर शानका। अगर आप देखेंगे तो फ्री हिट होते तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आपको मारने के लिए, क्योंकि आपको डर नहीं रहता कि आउट होंगे तो अगर कैच भी होंगे या बोल्ड होंगे तो उसका कोई डर नहीं रहता, तो मुझे जब डर नहीं रहता तो उन्होंने बहुत अच्छा स्लोर वन ट्राई किया था
बट दो विकेट लिया था। अच्छा शॉट ये, बलशाली शॉट ये, सीधा जाएगा स्टैंड में। ओह जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर। ये है शानका, आज पहली बार इस प्रतियोगिता में इनकी प्रतिभा देखने को मिल रही है। मैं इस मैच में पूरा अपना टैलेंट बता रहे, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आखिर तक खेले और मैच जो बैटिंग के लिए वो माने जाते हैं कि होनहार खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है और श्रीलंका को खेलते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट, आउटस्टैंडिंग स्पेट हिट। ये सही सब, इस बार कवर के ऊपर से एक और चौका इसमें जोड़ दीजिए। बेहतरीन बल्लेबाजी शानका की, पहले छक्का उसके बाद एक और चौका इस ओवर में। इसे कवर की दिशा में खेला है, यहां पर और रन आने चाहिए। बेहतरीन टाइमिंग, एक और चौका। बहुत ही अच्छे ओवर यहां पर घट चुका है दुबई कैपिटल्स के लिए, 15 आए इस ओवर में 128/3। आराम से रवाना, ये देखिए ये बहुत बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, आउटस्टैंडिंग शॉट। मैंने यही आपको कह रहा था बाबा, जबकि अगर आप जब बॉलर तेज जानता है आप फेर के ही मारे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा, अगर आप देखेंगे एकदम ब्यूटीफुल लाइक बॉल अपने बल्ले को ओपन किया और उसी वजह से आउटस्टैंडिंग सिक्स। ये जबरदस्त शॉट, थोड़ी जगह बनाई थी, सही जगह को पिक किया। ये गेंद तो आप वापस मंगा लीजिए, शॉर्ट बॉल को बहुत अच्छी तरीके से पिक किया था। और दूसरी शतक की साझेदारी, बैंग बैंग, जी हाँ, दुबई कैपिटल्स को रन 17.3 ओवर से पहले करना है शारजा वॉरियर से नेट रन रेट बेहतर करने के, और कोशिश यही है और ऐसे मौके नहीं छोड़ेंगे। गीला गेंद, शॉर्ट बॉल और से मारने चले गए, लेकिन इस बारी कहीं बेहतर वो टाइमिंग, आपकी बात सुन ली, सिर्फ गेंद को टाइम करने को देखा और 6 रन मिले मिड ऑफ के सर के ऊपर से। सिकंदर रजा भी स्वैग से किया पूरा अपना शतक, बवाल बल्लेबाजी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया शॉट था ये। वर्ल्ड आयल T20 का लीजिए, अब तो सिकंदर रजा स्वैग से ये मुकाबला खत्म किया। कमाल की बल्लेबाजी, दुबई कैपिटल 7 विकेटों से ये मुकाबला जीता। मुकद्दर का सिकंदर, जी हाँ, मस्ट विन गेम में आके वो कप्तानी चेंज हुई।